अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सैयद इज़ाज़ा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इस्माइल मियाँ ताहिर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बेटे को काबू में रखें। वो मेरी बेटी का घर एक बार फिर तबाह बर्बाद करने के लिए तुल रहा है। अगर उसको मेरी बेटी से इतनी ही मोहब्बत थी तो वो उस वक्त किधर था जब मेरी बेटी मुसीबत में थी और वो चीख चीख के सबको अपनी गवाही दे रही थी, मगर उस वक्त हमारे बेटे ने मेरी बेटी का बिल्कुल भी यकीन ना किया और मंगनी तोड़ दी। वो मेरी बेटी का बस अबसाया घर उजाड़ना चाहता है। मेरे लिए आपसे हाथ जोड़ के बिनती है कि आप अपने बेटे को समझा लीजिए, और अगर वो ये बात नहीं समझेगा तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने अल्फाज में ही समझा लें ताकि और मामला ख़राब ना हो। ये सुनकर ताहिर मियाँ इस्माइल को कहते हैं कि इस्माइल साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं रेयान को समझा लूँगा और मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे माजत करता हूँ कि ये मेरे बेटे की गलती है कि वो तैबा के पास क्यों गया और उसने तैबा को ऐसा क्यों बोला। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो नाज़रीन, क्या होगा ड्रामा सैयद इज़ाज़ा की आने वाली एपिसोड में, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। अल्लाह।